तीसरे पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ के अंतर्गत नगर निगम के द्वारा 19 डिसिप्लिन में एक महाकुंभ कराया जा रहा है। और गौरतलब बात यह है कि 30 तारीख को जिस दिन भारतीय ओलंपिक का जो जत्था है माननीय प्रधानमंत्री जी के मतलब हरी झंडी दिखाने के बाद पेरिस के लिए रवाना होगा, उसी दिन हमारा यहाँ पर ये इसका शुभारंभ होने वाला है। और इसमें हॉकी जो एक डिसिप्लिन जो हमारा राष्ट्रीय खेल है उसके अंदर 6 टीमें पुरुष वर्ग में और 6 टीमें महिला वर्ग में है, जिसका आयोजन चंद्रवर्धय खेल एस्ट्रोटर्फ खेल स्टेडियम पे होने वाला है। नगर निगम अजमेर द्वारा तृतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ का आयोजन 30 जून से किया जाना है और उसकी तैयारियों के निमित्त आज यहाँ पर मैराथन मीटिंग हुई है और मीटिंग में विभिन्न खेलों को लेकर जो योजना बनी है, जो उसकी तैयारियां हुई है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। अभी तक आज हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन था, तकरीबन 1479 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे पास प्राप्त हुए और 19 खेलों के जो हमारे खेल विशेषज्ञ हैं, जो हमारे खेलने हैं, जो हमारे इस पूरे इवेंट को देख रहे हैं, संयोजक जो हैं, उनके पास एंट्रीज अलग आई हैं। तो अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक ये कदम है कि नगर निगम द्वारा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया गया उसमें 1400 से ज़्यादा बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए स्विमिंग में, बॉक्सिंग में, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, शूटिंग, तीरंदाजी सहित इन 19 गेमों में अपनी जो प्रतिभा उसका प्रदर्शन या करने वाले हैं। हमारा पटेल मैदान बिल्कुल उनको लेकर के उनकी खिलाड़ियों के खेल के लेकर के तैयार है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारा तैयार है, हमारा फुटबॉल का मैदान तैयार है, हमारा बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट वो भी सब तैयार है। तकरीबन 14 खेल इस पटेल मैदान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम में होने वाले हैं और 5 खेल जिसमें शूटिंग और तीरंदाजी लोहागल में कैंडी शूटिंग रेंज में होंगे, हमारी हॉकी और खो खो वो चंद्रवर्धय स्टेडियम में होंगे और बॉक्सिंग का जो जलवा बिखेरेंगे हमारे जो खिलाड़ी वो डीएवी के कॉलेज के ग्राउंड पर होगा, बॉक्सिंग रिंग में होने वाला है। निश्चित रूप से एक बड़ा भव्य इवेंट नगर निगम द्वारा आयोजन इस खेल महाकुंभ मिनी ओलंपिक का किया जा रहा है, जिसमें मेरे को लगता है कि तकरीबन 4000 से ज़्यादा खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्ग के 5 साल से लेकर 75 साल तक के आयु वर्ग के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक अजमेर की प्रतिभाओं को मौका देने का एक प्रयास नगर निगम ने किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए करके पिछले 10 साल से अभियान चलाया और ओलंपिक और एशियाड में जिस प्रकार मेडल हमारे बच्चे लेकर के आ रहे हैं, निश्चित रूप से अजमेर की प्रतिभाओं को इस प्रकार का प्लेटफॉर्म मिलेगा तो अजमेर के प्रतिभाएं भी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रतिभा दिखा पाएंगे। तीसरे पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ के अंतर्गत नगर निगम के द्वारा 19 डिसिप्लिन में एक महाकुंभ कराया जा रहा है। और गौरतलब बात यह है कि 30 तारीख को जिस दिन भारतीय ओलंपिक का जो जत्था है माननीय प्रधानमंत्री जी के मतलब हरी झंडी दिखाने के बाद पेरिस के लिए रवाना होगा, उसी दिन हमारा यहाँ पर ये इसका शुभारंभ होने वाला है। और इसमें हॉकी जो एक डिसिप्लिन जो हमारा राष्ट्रीय खेल है उसके अंदर 6 टीमें पुरुष वर्ग में और 6 टीमें महिला वर्ग में है, जिसका आयोजन चंद्रवर्धय खेल एस्ट्रोटर्फ खेल स्टेडियम पर होने वाला है।